गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज फिर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। मैं दोस्तों वॉइस का एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो एक कॉमन वॉइस नहीं बता रहा मैं आपको वॉइस का वो वाला पार्ट बता रहा हूं जिसमें हम लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अधिकतर इसके क्वेश्चन आते हैं। सिंपल वाले वॉइस के तो हम लोग फार्मूले याद कर लेंगे, रट लेंगे और उसका वॉइस कन्वर्ट करना हमको आता है, लेकिन कुछ पेशी वॉइस ऐसे होते हैं जो बड़े डिफरेंट से होते हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा डिफरेंट पेशी वॉइस का है, नॉर्मल पेशी वॉइस का नहीं है, टेंसेस का नहीं है, ना मॉडल का है, बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा वॉइस का पार्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, इसके नियम बिल्कुल अलग चल रहे हैं। इसको आप शुरू से अंत तक देखें और जहां पर आपको डाउट है उसको प्लीज नोट कर लीजिए और एक एक स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें, और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, तो इस डाउट को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चालू करते हैं। तो प्लीज मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि इसको आप बीच में ना छोड़ें। तो दोस्तों आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, नजर आ रहा है कि जैसे लिखा हुआ है कि ही लुक्स एट मी। तो लुक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका पीसी वाइज बनाना है तो कैसे करेंगे, तो लुक के साथ एट भी आ रहा है तो हमने लिखा आई एम लुक्ड एट। लुक्ड एट तो लिखना ही पड़ेगा बाय हिम, उसके बाद बाय लगेगा। तो दो तो प्रीपोजिशन पास पर आ रहे हैं। तो जब भी किसी फ्रेजल वर्ब का पेशी वाइज बनाना है तो उस फ्रेजल वर्ब का जो भी प्रीपोजिशन है वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ बाय भी आ जाएगा। जैसे आई एम वेटिंग फॉर बस, तो द बस इज बीइंग वेटेड फॉर बाय मी, बाय भी आ रहा है, वेट फॉर भी आ रहा है, ऐसा आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पर कि नोज यू, इसका आप बना के बताएं, तो बहुत से स्टूडेंट इसका बना देते हैं यू आर नोन बाय हिम, ऐसा कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है। नो के साथ बाय नहीं लगाना है, नो के साथ आपको टू लगाना है, ओब्लाइज के साथ भी टू लगाना है। ओब्लाइज यानी होता है एहसान मंद होना। हिज बिहेवियर एनॉयस मी, उसका व्यवहार मुझे परेशान करता है, तो इसका बनेगा दोस्तों आई एम एनॉयड एट हिज बिहेवियर। एट आना चाहिए, यहां पर एट आएगा, यानी किसी बात से परेशान हो रहा है। एक और पढ़ते नीचे, शी एनॉयड मी, उसने मुझे चिढ़ाया, उसने मुझे परेशान किया, किसी लड़की ने मुझे परेशान किया, तो इसका पेशी वाइज बनेगा आई वॉज एनॉयड विथ हर, उससे मैं परेशान हुआ। किसी व्यक्ति से परेशान होंगे तो हमको विथ लगाना है और किसी बात पर होंगे तो हम लोग एट लगाएंगे, ये ध्यान देना है दोस्तों। किसी और दिन मैं आपको एट और विथ का अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा, फिलहाल अभी आप यहां समझिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एट कहां कहां आता है, आप ध्यान देंगे। सरप्राइज, अगर पेशी वाइज में सरप्राइज आ रहा है, एस्टोनिश आ रहा है, शॉक आ रहा है, अलार्म आ रहा है, इन सबका मतलब होता है अचंभित होना, आघात लगना, सबका मतलब यही होता है, तब आपको बाय नहीं लगाना, एट लगाना है। डिसअपॉइंट, निराश होना, यहां पर भी एट आएगा। डिसप्लीज, नाखुश होना, एट आएगा। स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब ये होता है अचंभित होना, इन सबके साथ एट आना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, योर जॉब सेटिस्फाइड मी, क्या बनेगा इसका, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, विथ आएगा दोस्तों। अब विथ कहां कहां आता है ध्यान देते हैं, प्लीज, डिस्गस्ट, घिन आना, इंप्रेस के साथ आपको विथ लगाना है। जैसे शी इंप्रेस्ड मी, तो आई वॉज इंप्रेस्ड विथ हर। आगे बढ़ते हैं, दिस पॉट कंटेन्स वाटर, इस पॉट में वाटर है, तो वाटर इज कंटेन्ड इन दिस पॉट, कंटेन के साथ इन आना चाहिए, बाय नहीं आएगा। आप लोग अधिकतर गलती करते हैं, इन कहां कहां आता है, इंटरेस्ट और कंसिस्ट में इन आता है। और भी इसके सेंटेंस बना सकते हैं, आप लोग समझिए। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, अब गो में आई एन जी लगा हुआ है तो आप लोग बींग लगाने की गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आई एन जी आएगा तो आपको बींग बना देना पेशी वाइज में, इसका ऐसा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है, तो क्रिकेट इज गोइंग टू बी, गोइंग पूरा लिखना है, उसके बाद में टू बी आएगा, प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय मी, ऐसा आएगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर कुछ लिखे हुए हैं, इज एम आर, वाज वर, हैव हैज हैड, गोइंग टू, अबाउट टू, इनके बाद इनके साथ अगर टू लग जाता है दोस्तों, इनके साथ अगर टू लग जाता है, इन सबके साथ अगर टू लगेगा तो हमको पेशी वाइज बनाते समय हमें बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। इसमें एक सेंटेंस बना के बताता हूं मैं आपको, यू वर टू प्ले क्रिकेट,
क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड बाय यू आई हैड टू लर्न इंग्लिश तो इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाय मी ही हैड टू बाय अ बुक हैड टू बी बॉट बाय हिम ही इज गोइंग टू टीच मी आई एम गोइंग टू बी टॉट बाय हिम अबाउट टू यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट इज अबाउट टू बी प्लेड बाय यू ही इज अबाउट टू टीच यू यू आर अबाउट टू बी टॉट बाय हिम तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे अलग अलग टाइप के जो पेशी वाइज मैंने लिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है और इसके बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करना है दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है जिसमें बाय नहीं आता उसमें दूसरा प्रीपोजिशन आता है एट आता है इन आता है विथ आता है ये आपको बनाने की कोशिश करना है बस आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट बाय ही लगाते हैं क्योंकि हम लोग ने बचपन से पढ़ा है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ नए प्रयोग के साथ धन्यवाद दोस्तों।